आप सभी को प्यार भरा नमस्कार आई वेलकम यू टू माई बायोलॉजी तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फ्लाइट इन बर्ड्स के बारे में जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को मेमोराइज किया था इसके आज हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे सो लेट अस स्टार्ट इन जंग कॉल्ड बर्ड्स एज द मास्टर्स ऑफ द एयर तो बिल्कुल सही फरमाया था उन्होंने जैसे कि

एनाटमी के बेसिस पे एम्ब्रियोलॉजी के एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे हम देखेंगे कुछ फिजोलॉजिकल देखेंगे कुछ इकोलॉजिकल सो लेट आज डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दर इज द शेप सो अगर हम वर्ड्स की शेप की बात करते हैं इट इज़ स्ट्रीम बॉडी उनकी कुछ स्पिंडल शेप बॉडी दिखती है तो उस कारण से क्या होता है उस स्पिंडल शेप से इट विल प्रोवाइड मिनिमम रेजिस्टेंस टू द विंड तो जिससे उन्हें फ्लाइट में हेल्प मिलती है सेकेंड इज द विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉम्पैक्ट बॉडी अब हम बॉडी शेप की बॉडी की बात करते हैं तो ये कॉम्पैक्ट रहती है ना कि लूज रहती है कॉम्पैक्ट बॉडी अभी उस कॉम्पैक्ट बॉडी में भी क्या रहता है डोरसल साइड से अगर डोर्सल साइड पे देखा जाए तो उनकी बॉडी काफ़ी लाइट रहेगी ठीक है लेकिन अगर वेंट्रल साइड से देखी जाए तो वो हैवियर बॉडी रहेगी अभी वो लाइट है लेकिन वो स्ट्रांग जरूर है तो वो भी क्या करती है कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने में हेल्प करती है प्लस सेकेंड थिंग उसी डार्सल वेंट्रल साइड पे अगर आप देखेंगे तो जो लो पोर्शन रहता है बॉडी का वहाँ पे हैवी ऑर्गन्स रहते हैं लेकिन अगर बॉडी का हाई पोर्शन ऊपर वाला साइड पे देखा जाए तो लाइट ऑर्गन जैसे अगर एयर सेक्स की बात करें लंग्स की बात करें विंग्स की बात करें तो वो लाइट ऑर्गन हाई पोजिशन पर रहते हैं तो लेकिन हैवी ऑर्गन लाइक मसल्स हो गए स्टर्नम हो गया कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन रहेंगे तो वो उसकी लो पोजिशन में रहेंगे अल्टीमेटली वो भी क्या करते हैं उसे उसे बैलेंस करने में हेल्प करते हैं ठीक है एयर में बैलेंस करने में हेल्प करते हैं जैसे हम पैराशूट को देखते हैं तो उस पैराशूट में भी क्या रहता है हम देखते हैं नीचे एक हैवी ऑब्जेक्ट रहता है ठीक है जिसमें कोई इवन के जो पैराशूट पहन के उड़ते हैं वो भी नीचे रहेंगे लेकिन उसके ऊपर आप देखोगे तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे अम्ब्रेला की तरह एक पैराशूट दिखता है तो जिस कारण से वो ऊपर से लाइट्स है ना तो नीचे से लेकिन वो वहां पे वेट रहता है तो ही वो आराम से एयर में ट्रेवल कर पाता है अभी बॉडी के ऊपर फैदर्स की कवरिंग रहती है और वो भी कैसे अगर आप देखोगे तो कुछ बैकवर्ड डायरेक्टेड फैदर्स रहेंगे जिन्हें कॉन्टोर फैदर्स कहा जाता है तो स्मूथ से रहते हैं वो भी क्या करते हैं अल्टीमेटली बॉडी को स्ट्रीम लाइंड शेप प्रोवाइड करते हैं तो अगेन इट विल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन देन देर आर द लाइट फैदर्स अब बर्ड की पूरी बॉडी के ऊपर फैदर्स रहेंगे तो वो लाइट फैदर्स अल्टीमेटली उसे एक ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं अनवेलपिंग एयर का ठीक है जैसे अगर हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं सेम केस कि वो उसे एक ब्लैंकेट की तरह लगता है बाहर से तो उसमें एयर रहती है ट्रैप्ड अल्टीमेटली दैट विल प्रोवाइड द बॉयसी हेयर तो वो आराम से उड़ सकता है देन वन मोर थिंग दैट इज़ इंसुलेशन इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड होती है उन्हें बाई द नॉन कंडक्टिंग कवरिंग ऑफ द फैदस फैदिस की जो कवरिंग होती है वो नॉन कंडिंग रहेगी तो वो उसे इंसुलेशन भी देती है तो वो जिस कारण से हाई अल्टीट्यूड्स पर आराम से वो उड़ सकते हैं आराम से रहते हैं वो क्योंकि इंसुलेशन से क्या होगा दैट विल प्रीवेंट द लॉस ऑफ हीट हेयर दैन विल कम टूवर्ड्स नेक्स्ट वन दैट इज़ फोर लिम्स मॉडिफाइड इन टू विंग्स अब यहाँ पे विंग्स की बात करते हैं कि अब बर्ड्स के केस में क्या रहेगा उनके केस में विंग्स आ जाते हैं तो वहाँ पर फोर लिम्स एज सच आमजोर स्व जैसे देखते थे पहले कि उनसे पहले पहले फाइनल में कि फोर लिम्स रहेंगी तो वहाँ पर फोर लिम्स वैसी नहीं थी वहाँ पे विंग्स बन जाते हैं और उनके हाइड लिम्स इवन आप देखते हो जहाँ पे आप बाई पैडल लोकोमोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे फुट बने होते हैं वो तो उनके हाई लिम्स रहेंगी लेकिन फोर लिम्स दे आर मॉडिफाइड इन टू द विंग्स अभी ये एसोसिएटेड रहेंगे फ्लाइट मसल्स के साथ कुछ बेसिकली वी आर वी आर डीलिंग विद द एडाप्टेशन तो यहाँ पे फ्लाइट मसल्स आते हैं ठीक है इवन इलांगेटेड फ्लाइट फैदर्स जिन्हें रिमिज कहा जाता है तो उस रेमिक्स में भी क्या देखते हैं हम लोग कि एक एक्सपेंडेड मेम्बरस पार्ट रहता है जिसे वेन कहा जाता है वो क्या बनाता है अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू फॉर्म अ फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूस सर्फेस एक फ्लेक्सिबल सा सर्फेस बना वो जो फ्लेक्सिबल सा पार्ट बनाता है फ्लेक्सिबल सर्फेस बनाता है वो क्या करता है दैट विल स्ट्राइक द एयर इन फ्लाइट वो उड़ते हुए हवा को स्ट्राइक करता है ठीक है तो जिस कारण से अभी परिंदा आराम से उड़ पाता है देखिए बात करेंगे अगर हम इसके फ्लाइट फैदर्स की तो फ्लाइट फैदर्स क्या करते हैं एक ब्रॉड सा सरफेस बना देते हैं जो अल्टीमेटली सपोर्ट करता है हवा में देखिए आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए ये यह जो यहाँ पे ड्रा किया गया तो अगर हम बर्ड की बात करते हैं किसी की तो वो भी कुछ इसी तरीके से उड़ता है ठीक है इसी इसी वे में हम उसे उड़ते हुए देखते हैं तो जैसे ये किया तो इसमें भी हम क्या देखते हैं अपर साइड से आप इसे कन्वैक्स रीजन देख रहे हो ठीक है यहाँ पे ये कन्वैक्स दिख रहा है इसका विंग है ये तो लेकिन आप नीचे से देखोगे इट इज कनकेब तो अल्टीमेटली दिस विल हेल्प इन रिडक्शन इन द एयर प्रेशर अब बट इंक्रीज फ्रॉम द बिलो है ना नीचे से उसी प्रेशर को इंक्रीज करेगा ऊपर से वो प्रेशर को कम करता है तो जिस कारण से एक बर्ड जो है वो आसानी से एक फॉरवर्ड और अपवर्ड ड्राइव ले सकता है ठीक है उसे उड़ने में मदद मिले कि उसे ऊपर जाने में मदद मिले कि उसे आगे की ओर जाने में हेल्प मिलती है देन रिगार्डिंग द शॉर्ट टेल अब

तो जितना भी काम फोर लिम्स से किया जाता था ठीक है वो सारे का सारा बर्ड्स में वो अपनी बीक की हेल्प से करते हैं ठीक है वही चीज़ को कम्पनसेट कर रहा है कौन द प्रेजेंस ऑफ बीक इज कम्पनसेटिंग वाट द एब्सेंस ऑफ द फोर लिम्स फोर लिम्स नहीं है वहाँ पे तो वो फोर लिम्स नहीं होने के लिए लेकिन वहाँ पे अगर उसके पास बीक होती है तो वो उस बीक से उस चोन से अपना सारा काम करते हैं जैसे फूड को लाना नेस्ट बिल्डिंग करना ठीक है देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मोबाइल नेक एंड हेड अभी देखिए अगर वो अपनी चोंच से काम करती है कोई भी परिंदा अपनी चोंच से काम एक चिड़िया अपनी चोंच से पूरा घर बनाती है घोंसला बनाती है उसको करने के लिए लेकिन उसकी मोबाइल नेक का होना जरूरी है है ना उसे अपनी गर्दन का उसका मोबाइल मोबिलिटी वहां पे जरूरी है अभी ये थ्री सिक्सटी डिग्री सॉरी वन एटी डिग्री पूरा मूव कर तो बिल उसका यूज़ करते हैं फॉर द फीडिंग पर्पज प्रेनिंग पर्पज नेस्ट बिल्डिंग ऑफेंस एंड डिफेंस सो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी मोबिलिटी देन इज द बाई पैडल लोकोमोशन अब बाई पैडल लोकोमोशन मीन्स अगर वही जो अभी अभी हाइडलिम्स की बात करते हैं तो बाई पैडल लोकोमोशन में वही उनके हाइडलिम्ब्स उनके फुट उसको हेल्प करते हैं बैलेंस करने में तो पूरी बॉडी के वेट को सपोर्ट करते हैं वही लोकोमोशन बीट इन द ग्राउंड बीट ऑन द ग्राउंड बीट इन दॉटर ठीक है आप डक को देखते हो पानी में वो भी वाई पैडल पाँव से चलती है वो अपने तो वहाँ पे स्विमिंग में उसको हेल्प करते हैं वो वहाँ पे पैड रहेंगे देन इज द इंटेगोमेंट सो इनकी बॉडी के ऊपर विल सी द लूज स्किन है तो वो लूज स्किन अल्टीमेटली क्या करती है उसे बहुत ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करती है उसके स्केलेटल मसल्स को तो अल्टीमेटली मसल्स की मूवमेंट के साथ ही फिर वो उसको फ्लाइट में हेल्प मिलती है

उसके पर को उसके विंग को लोअरिंग में हेल्प हेल्प करते नीचे की ओर लाने में हेल्प करेगा लेकिन ऐसे जो पेक्टोरलिस माइनर रहेगा वो उसके एलिवेशन के लिए काम करते उसे रेज करते हैं है। तो ये मसल्स अगर यहाँ पे अच्छे खासे डेवलप रहेंगे तो अल्टीमेटली उसे फ्लाइट में ही हेल्प मिलेगी एग्जैक्टली exactly. उसके बाद में पर्चिंग देखते हैं तो अगर आप किसी परिंदे को देखते हो किसी बर्ड को देखते हो वो किसी ट्री में जाके बैठता है आता है तो जैसे ही वो ट्री के ऊपर आता है वो उसकी लेग्स में बेंडिंग होती है ठीक है लेग्स बेंड होंगी तो एक पुल जनरेट होगा किसके ऊपर उसके फ्लेक्सर टेंडेंस के ऊपर एक पुल जनरेट होगा तो अल्टीमेटली टोर्स विल फ्लैक्स एंड ग्रिप द पर्च तो मीन्स फिर वो अपने टोर्स से वहाँ पे ग्रिप करेगा अच्छे से उसे पकड़ लेगा तो ये काम अभी पर्चिंग हेल्प करती है इवन के वर्ड्स को जब वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं या फिर वो स्लीप लेते हैं उस टाइम पे भी पर्चिंग होती है यानी कि वो एकदम से उन्होंने पकड़ा रहे पकड़ा रहते हैं वो उसको टहनी को जो जिस जहाँ पर भी वो बैठे होते हैं तो अल्टीमेटली उसी को उसके ही मोड ऑफ लाइफ में ये हेल्प कर रहा है ये भी पॉइंट देन कुछ एनाटमिकल बेसिस पर हम देखते हैं कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन आती हैं जैसे हम स्टडी करते हैं एंडोस्केलेटन को तो एंडोस्केलेटन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ते हैं दैट इज़ द न्यूमेटिक बोन्स हेयर बोन्स आर न्यूमेटिक वो कहीं हॉलो बोन्स रहती है बीच में ठीक है तो जितनी हलो जितना लाइट वेट रहेगा उतना उसे हेल्प मिलेगा फ्लाइट में देन इज द एयर देयर इंस्टेड ऑफ़ द बोन मैरो मैरो नहीं मिलेगा आपको लेकिन यहाँ पे एयर सेक्स दिखते हैं तो एयर सेक्स मिलेंगे अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी उसे लाइट बॉडी में लाइट बनने में और फिर वो फ्लाइट में हेल्प करेगा देन द स्कल बोन्स अगेन दे आर लाइट एंड दे आर फ्यूज फ्यूज स्कल बोन्स दिखेंगे आपको और लाइट मिलेंगी फ्यूजन ऑफ इज बर्टिज सिंसे ठीक है वर्टिवरे फ्यूज रहते हैं तो जिस कारण से अगेन एक लाइट बॉडी रहेगी और उसे हेल्प मिलती है उसी लाइटनेस से फ्लाइट मोड के लिए हिट्रोसे वर्टिव्रे इज देयर वेयर वन डिग्री नेक मोवमेंटिंग थ्री सिक्सटी डिग्री ओके इट इज वन एट्टी डिग्री नेक मोमेंट तो दैट इल अल्टीमेटली हेल्प इन प्रीनिंग एंड फूड कलेक्शन ओके सो नेक्स्ट इज तो metabolism is very high. तो काफी हाई मेटाबोलिज्म रहेगा तो जिस कारण से अभी यहाँ पे रेपिड डाइजेशन रहेगी तो जो इनडाइजेस्टिवल वेस्ट होता है वो बिल्कुल कम रहता है इनडाइजिबल वेस्ट इज मिनिम और एक बिल्कुल शॉर्ट रेक्टम यहाँ रहेगा तो फीकल मैटर जितना भी होगा बिल्कुल स्मॉल रहेगा इवन के वहां पे वो इत, अपने साथ अपनी बॉडी में लेके नहीं चलते हैं ठीक है थीके? क्यों नहीं यही उनको एक एडवांसमेंट एक फीचर रहेगा एक प्लस पॉइंट रहेगा कि उनके साथ इनका इतना ज्यादा वेट नहीं रहेगा तो ज्यादा वेट नहीं रहेगा जिस कारण से अगेन लाइट बॉडी है तो उन्हें फ्लाइट में हेल्प मिलती है देन इज द विथ रिस्पेक्ट टू दियर रेस्पाइटरी सिस्टम देखिए मैंने सिस्टम्स की बात की थी कि आपके पास रेजिस्ट्र सिस्टम है आप बर्ड्स के बारे में कुछ पढ़ते हो तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे हाई मेटाबॉलिज्म रहेगा इंडस्ट्रियल वेस्ट मिनिमम रहेगा शॉर्ट रेक्टम रहेगा तो ये हम आसानी से याद रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देर रेस्परेटरी सिस्टम एयर सेक्स आर प्रेजेंट एयर तो एयर सैक्स क्या करते हैं वो जितना भी अवेलेबल स्पेस रहता है बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं वहाँ पर एयर सैक्स आ जाते हैं और प्लस इवन कि कोई भी अगर हॉलो बंस में बोन्स में भी अगर कोई कैविटी वहाँ पे भी एयर सेक्स बन जाते तो क्या करते हैं वहां पे एयर आती है तो अल्टीमेटली फिर वो उड़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी लंग्स दे आर विद ईच ब्रेथ नो एयर इन द लंग्स इज ठीक है लंग्स में कोई भी रेजिडल एयर नहीं मिलता नहीं रहेगी बिल्कुल खाली हो जाते हैं वो तो प्लस मूवमेंट ऑफ द विंग अगर विंग्स की मूवमेंट की बात की जाए दे कंप्रेस एंड डाइलेट द एयर सेक्स विंग्स की मूवमेंट से ही एयर सैक्स में कंप्रेशन और डायलेशन होता है ठीक है तो देखिए विंग्स की मूवमेंट से उनमें कंप्रेशन और डायलेशन हो रहा है तो कितना ज़्यादा यहाँ पे एक उन्हें हेल्प मिल रही है तो उनकी रेस्पायरेशन के लिए भी वार्म ब्लडरनेस, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड अगर यहाँ पे देखा जाए तो वार्म ब्लडेडनेस इनमें देखी जाती है बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है तो एरिएशन ऑफ ब्लड अल्टीमेटली ये काम करने में हेल्प करती है सर्कुलेशन में रैपिड मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा पढ़ा वार्म तो यहां पे लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत रहेगी ठीक है जिस कारण से अभी यहां पे एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है हार्ट की बात की जाए तो दे आर फोर चैम्बर्ड सो एफिशिएंट डबल सर्कुलेशन इज देयर ठीक है एकदम प्रॉपरली डबल सर्कुलेशन चलती है फोर चैम्बर्ड हार्ट है देन

बात की थी लास्ट लेक्चर में तो इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा तो इवन उसका लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा सो मस्ट वॉच दैट बिफोर दिस प्लस प्लीज डू सब्सक्राइब हेल्प टू ग्रो थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग